आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को एक अच्छा समाचार भी देना चाहता हूं। बहुत समय से एनडीआरएफ के कर्मियों के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते की मांग चल रही थी, कल ही भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है और वो 40% के रेट पर आपको जोखिम और कठिनाई भत्ता 40% के रेट पर दिया जाएगा। और ये 16,000 एनडीआरएफ बचाव कर्मी जो हमारे हैं वो सबके लिए ये आनंद का विषय है। और आज मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि हमने लगभग 6 माह पहले ही एक निर्णय किया है कि जितने भी आउटडोर इंडोर गेम हैं वो सभी गेम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जहां संभव है वहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारी सीएपीएफ की एक टीम हिस्सा लेगी। एक भी खेल ऐसा नहीं है जिसमें सीएपीएफ के जवान राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके लिए आईबी के डीआईबी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी हो गया है, रोड मैप पूरा बन चुका है और कुछ ही समय में हम इसको अलग स्वरूप से आगे ले जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा बल अगर खेलने का मादा नहीं रखता है हमारे सीएपीएफ के जवानों के लिए, खेल बहुत महत्वपूर्ण है और खेल को हम संस्कार के रूप में सीएपीएफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और स्टेबल भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आने वाले दिनों में गुजरात भारत सरकार एक नया मॉडल बनाकर आप लोगों के सामने रखेगी। मुझे विश्वास है कि एनडीआरएफ के जवान भी, जैसे आप आज पर्वत आरोहण में विजय प्राप्त कर आए हो, ये खेलों में भी हिस्सा भी लेंगे और विजय भी होंगे। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और आने वाले मानसून की कठिनाइयों को पार करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।